नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजसू के कार्यालय में, जहाँ पे हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता मौजूद है। हम उनसे जानेंगे, देवशरण भगत जी, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं रामगढ़ चुनाव को लेकर। रामगढ़ चुनाव को लेकर के हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से चुनाव परिणाम आया था उसी दिन से अगला चुनाव की तैयारी हम लोगों ने कर चुकी है, और पूरे तरह से संगठन का विस्तार हमने गाँव से लेकर मोहल्ला से लेकर घर घर तक जोड़ने का काम किया है। हमने पूरे रामगढ़ में चूल्हा और चूल्हा के परिवार के लोगों को संगठित करने का काम किया है कि कोई भी चूल्हा जहां खाना पकता है, हर चूल्हे का टेस्ट हम कर सके और सबका टेस्ट को मिला सके और सुर में सुर मिला करके जीतने की प्रयास। इस बार जो है आपने किन्हें खड़ा किया है अपने आजसू की ओर से? आजसू के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी है। ये मुख्य रूप से NDA की प्रत्याशी होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सभी घटक दल के लोग एक साथ एकजुट होकर के इस चुनाव में मैदान में दिखे। जी, जैसा कि आप सुनीता चौधरी खड़ा किए, तो ये नहीं लग रहा है कि घर घर के सारे लोग जो है इसी में शामिल हो रहे हैं? पिछले बार सुनीता चौधरी चुनाव लड़ी थी, पिछले बार द्वितीय स्थान में आई थी। चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ से हमेशा से नेतृत्व करते आए हैं, जनता उनको पहचानती है, जानती है कि विकास का रेखा खींचने वाला कोई व्यक्ति है तो चंद्र प्रकाश चौधरी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए सक्षम कोई नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़ रही थी सुनीता चौधरी है। तो स्वाभाविक रूप से जनता की आवाज़ के हिसाब से, उनके उम्मीद के हिसाब से, जो अभाव महसूस कर रही थी उसको पूरा करने के लिए सुनीता चौधरी को प्रत्याशी। सर, कहीं ना कहीं BJP और आजसू जो है फिर से मुट्ठी बांधती नजर आ रही, मजबूत पार्टी बनती नजर आ रही है, सर क्या कुछ रहेगा इस बार, कुछ नया क्या कुछ करना? जब एकजुट होता है तो विरोधी को कमजोर भागता है। इस बार निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा कि हम नया परिणाम बदल को भी लेकर लगातार इस पर हंगामा चल रहा है। इनका नियोजन नीति, इनका स्थानीय नीति, इनका आरक्षण नीति, सब नीति क्या बोलते हैं जहाँ चुनौतियों के घेरे में है, और जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत चलेगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। जनता को बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते, जनता जान चुकी है। तो क्या लगता है सर कि अब जो युवाएं हैं, युवाओं के चेहरे पर खुशियाँ झलकती नज़र आएगी? युवाओं के चेहरे, युवाओं को अवसर मिला है कि बेरोजगार का दंश झेलने वाले युवा इस बार रामगढ़ चुनाव में अपना जवाब देंगे, ऐसा सरकार को उखाड़ के फेंको। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, ये लोग काफ़ी मजबूती से अपनी पार्टी को बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनकी रामगढ़ में जो चुनाव होने वाला है उनको लेकर के ये लोग काफ़ी मजबूती से लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। जुड़े रहे GN भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।